अगर आपके साथ में अक्सर ऐसा हुआ है कि आपके हाथ से बहुत सारे फ़ोन्स गलती से गिर गए हैं और टूट गए हैं और इसी चक्कर में आप फ़ोन्स खरीदते रहते हैं, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। ये है मोटो Z2 Force जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये हैंडसेट शटर प्रूफ डिस्प्ले के साथ में आता है। इस वीडियो में मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखा दूंगा और आपको इस हैंडसेट का पूरा रिव्यू भी बता दूंगा। देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोगी और ये है मोटो Z2 Force का बॉक्स पैक। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा कोर पावर्ड है और जो स्पेसिफिकेशन है बॉक्स पर इतना डिटेल्स में मेंशन नहीं किया हुआ है। MRP प्राइस है 44,999, लेकिन ये आपको पड़ जाएगा 34,999 में, मतलब कि 34,999 रुपये। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये मोटो Z2 Force स्मार्टफोन, जो दिखने में दूसरे फ़ोन्स के मुकाबले काफ़ी अलग है। चलिए देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या मिलता है। इस डब्बे के अंदर आपको मिलेगा ये यूज़र मैनुअल, मोटो Z2 Force का यूज़र मैनुअल, वारंटी कार्ड, आपको एक सिम ट्रे इजेक्ट पिन भी मिलता है। ये है सिम ट्रे इजेक्ट पिन और ये है डेटा केबल, ये USB टाइप सी डेटा केबल है। तो ये जो हैंडसेट है टाइप सी पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। और ये है कनेक्टर, USB 2 3.5 mm ऑडियो जैक कनेक्टर, और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो हैंडसेट है इस पर 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं है, तो आपको जो USB टाइप सी पोर्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये है ट्रैवल चार्जर, इस ट्रैवल चार्जर की रेटिंग है, वैसे ये फास्ट चार्जर है, इसकी रेटिंग है 12 वोल्ट 1.2 एम्पियर्स। और जो अंतिम कंटेंट है इस बॉक्स पैक में वो है ये अच्छे क्वालिटी का ईयरफोन्स। देख सकते हैं कि ये जो ईयरफोन है इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, प्रीमियम क्वालिटी का ईयरफोन आपको इस मोटो Z2 Force के बॉक्स पैक के अंदर भी मिलेगा और साथ में ये एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स कैप भी है। अब इस हैंडसेट के साथ में जो कंपनी है आपको ये टर्बो पावर मॉड साथ में फ्री दे रही है। तो ये है इस टर्बो पावर मॉड का बॉक्स पैक, इसमें है 3490 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि ये 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन ये 30 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। तो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा ये मॉड, टर्बो पावर मॉड, और साथ में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा और साथ में वारंटी कार्ड। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस टर्बो पावर मॉड के बॉक्स पैक के अंदर मिलेगी। ये है टर्बो पावर मॉड, टोटली ड्रेन हो गया है, इसे मैं चार्ज कर दूंगा बाद में। और जो मोटो Z2 Force का बॉक्स पैक है उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। ये हैंडसेट काफ़ी हल्का है, इसका वज़न है 143 grams और ये काफ़ी स्लिम भी है। इसका जो थिकनेस है वो है 6.1 mm। इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है, बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग बहुत ही प्रीमियम है। डुअल कैमराज है पीछे की तरफ और डुअल LED फ्लैश के साथ में आता है। और ये जो कैमरा का मॉड्यूल है देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक बाहर निकला हुआ है। ये एक मॉड्यूलर स्मार्टफोन है और पीछे साइड पर बहुत सारे कनेक्शन पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आप जो मॉड्स हैं उसे अटैच कर सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हैंडसेट दिखने में और इस्तेमाल करने में दूसरे हैंडसेट्स के मुकाबले काफ़ी अलग है, काफ़ी स्लिम है और जो बॉडी है वो कम्प्लीटली फ्लैट है, कैमरा मॉड्यूल को अगर आप छोड़ दें तो। और ये जो एरिया है ये थोड़ा सा वाइड है, लेकिन टाइपिंग के लिए ये जो वाइडनेस है काफ़ी काम में आती है। इस हैंडसेट का जो पावर बटन है उस पर टेक्सचर दिया गया है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये पावर बटन है। और उसके ऊपर है वॉल्यूम रॉकर, यहाँ पर है सिम ट्रे और ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन, राइट हैंड साइड पर कुछ नहीं है। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है एक ही पोर्ट है, USB टाइप सी पोर्ट। इस हैंडसेट में ऑडियो जैक नहीं है, आपको USB टाइप सी पोर्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीकर वेंट कहाँ पे है, स्पीकर वेंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर इन कॉल स्पीकर भी है और जो लाउड स्पीकर है वो भी यहाँ पर है। Z2 Force स्मार्टफोन पे 3 माइक्रोफोन्स हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो आगे की तरफ है और काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये शैटर प्रूफ डिस्प्ले है, स्क्रीन का साइज़ है 5.5 inches और ये POLED शैटर शील्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्वाड HD है, मतलब कि 2560x1440 pixels। स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, टच भी काफ़ी स्मूथ है, ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन्स हैं यहाँ पर।
सिम ट्रे को मैं इजेक्ट कर देता हूँ। ये एक हाइब्रिड स्लॉट है, आप दो नैनो सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें रिलायंस जियो सिम डाल दिया है। ये हैंडसेट बहुत ही हल्का है और आपको अलग ही यूज़र एक्सपीरियंस देगा। ये देखिए 4G विद वॉइस ओवर LTE काम कर रहा है, और कॉन्टैक्ट्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन है। वैसे डायलर में डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। इस हैंडसेट में आपको बिल्ट इन NFC मिलता है। ये हैंडसेट स्टॉक एंड्रॉयड रन कर रहा है, एंड्रॉयड ओरियो। अगर रैम और रोम की बात करें तो इस हैंडसेट में आपको मिलेगा 64 GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस और 6 GB रैम। आप 2 TB तक एक्सटर्नल स्टोरेज कार्ड इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर की बात करें तो ये जो हैंडसेट है ये स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा कोर पावर्ड है, और ये देखिए एंड्रॉयड ओरियो रन कर रहा है। सेंसर्स की बात करें तो इसमें तकरीबन सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। एक्सेलरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, लाइट, जायरो, मैग्नेटिक, बैरोमीटर, स्टेप और हॉल, तो सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स आपको इस हैंडसेट पर मिल जाएंगे। मैंने एक्सटर्नल पेन ड्राइव इस पर कनेक्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि OTG सपोर्ट करता है। आप एक्सटर्नल पेन ड्राइव्स को कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आगे भी डुअल LED फ्लैश है और इस हैंडसेट पर LED नोटिफिकेशन नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस्ड किस्म का हैंडसेट है। जैसे ही आप हैंडसेट को छूते हैं या उठाने की कोशिश करते हैं तो जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ये देखिए फिर से ऑन हो गया, और अगर आपको कोई नया नोटिफिकेशन आया हुआ है तो आपको वो तुरंत ही दिख जाएगा जैसे ही आप हैंडसेट को उठाएंगे। चलिए अब कैमरा का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। ये है कैमरा का इंटरफेस, बहुत ही सिंपल है। ये जो आइकन आप देख रहे हैं इसे टैप करते ही आप बुके मोड फोटोज़ खींच सकते हैं, मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है और जो फ्रंट है उसे और भी शार्प किया जाता है। ये हैंडसेट 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है और स्लो मोशन वीडियोज़ 720p एट 20 FPS पर शूट कर सकता है, और इसमें इमेज स्टेबिलाइजेशन का भी ऑप्शन है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो एक्सेलेंट है, वैसे बॉर्डर लाइन एक्सेलेंट कह सकते हैं। अगर कुछ और कमियां होती तो मैं इसे अबाव एवरेज कैटेगरी में डाल देता, लेकिन फिलहाल तो ये एक्सेलेंट कैटेगरी में है। डेप्थ मोड या बुके शॉट्स जब आप डुअल कैमरास का इस्तेमाल करते हैं अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो वो इतने शार्प नहीं है, जो एजेस है वो इतने शार्प नहीं है। ये शॉट से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखा आपने, जो एजेस है वो इतनी अच्छी तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और इतने शार्प नहीं है, जिसके कारण जो इमेज है ऐसे देखेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। ये शॉट भी मैंने रियर कैमरे से खींचा हुआ है। ये है पेड़ का शॉट, अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एज डिटेक्शन जो है वो इतना शार्प नहीं है। कुछ शॉट्स अच्छे आ गए हैं जैसे कि ये वाला, और ये शॉट भी काफ़ी अच्छा आ गया है। और ये जो अगला शॉट है ये लॉन्ग शॉट है। इस हैंडसेट में ब्लैक एंड व्हाइट मोड है, अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे शॉट्स मिल जाएंगे ब्लैक एंड व्हाइट मोड में। ये देखिए, और ये लॉन्ग शॉट है जिसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट मोड में खींचा हुआ है। लो लाइट शॉट्स ऑटो मोड में इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट मोड का इस्तेमाल करेंगे या लो लाइट मोड का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। सेल्फी अच्छी खींच लेता है, नॉर्मल सेल्फी है, पीछे ब्लरिंग इफेक्ट नहीं है। ये हैंडसेट 4K वीडियोज रिकॉर्ड कर सकता है, और ये है सैम्पल। ये वीडियो मैं 4K रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में स्टेबलाइजेशन ऑन है। ये देखिए, अब मैंने स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया है, अब मैं इसे फिर से ऑन कर देता हूँ। तो ये जो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। फोकसिंग काफ़ी अच्छा है, वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यही हैंडसेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोटो Z2 Force। अब यहाँ पर देखिए, मैं चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन ऑन है, बहुत ही स्मूथ फुटेज आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये है क्लोजअप शॉट, और ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं ये है स्लो मोशन रिकॉर्डिंग 720p एट 240 FPS। ये हैंडसेट काफ़ी पावरफुल है, एंटीटूड स्कोर जो मुझे मिला वो है 211,000 के आसपास। चलिए अब मैं कुछ गेम्स खेलता हूँ। ये है मॉडर्न कॉम्बैट 5 गेम, और ये जो गेम है आमतौर पे इस एरिया में लैग करता है काफ़ी स्मार्टफोन्स पर इस पर नहीं हो रहा है, बहुत ही स्मूथ है।
जितने भी जो स्मार्टफोन्स हैं अगर वो पावरफुल नहीं है तो ये जो एरिया है यहाँ पर भी काफ़ी लैग होता है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली चल रहा है। स्नैपड्रैगन 835 जाना माना चिपसेट है और ये है एस्पॉल्टेज जो मैं हाई विजुअल क्वालिटी मोड में खेल रहा हूँ, और ये जो गेम प्ले है ये भी काफ़ी स्मूथ है, कार का कंट्रोल काफ़ी अच्छा है और कोई इश्यूज़ नहीं है। हीटअप की अगर बात करें तो ये जो हैंडसेट है ज़्यादा हीटअप नहीं होता है। मैक्सिमम बैटरी टेम्परेचर जो मैंने महसूस किया वो था 37 डिग्रीज। ये है टर्बो पावर मोड, बटन प्रेस करते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें बैटरी लेवल कैसा है। पीछे साइड से ये इस तरीके का दिखता है और आपको ये जो स्मार्टफोन है Z2 Force इसके साथ में इस तरीके से अटैच करना है। मैग्नेटिक है, अपने आप ही चिपक जाएगा। इस मॉड में है 3490 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, और ये जो मॉड है इसमें खुद का USB टाइप सी पोर्ट है, ये देखिए। अब ये फ़ोन के साथ में कनेक्टेड है, अगर आप चाहें तो पावर कॉर्ड यहाँ लगा सकते हैं फ़ोन चार्जिंग के लिए, या फिर पावर कॉर्ड यहाँ पे लगा दीजिए, मॉड भी चार्ज हो जाएगा और साथ में फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा। बटन प्रेस करते ही आपको बैटरी लेवल पता चल जाएगा, 75% है अब, और ये मॉड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। ये देखिए, इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मोटो टर्बो पावर पैक लगा दिया है आपने, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं, टर्बो चार्जिंग या एफिशिएंट चार्जिंग। टर्बो चार्जिंग पे ही रखिए। ये जो मॉड है इस हैंडसेट को फास्ट चार्जिंग कर सकता है, ये देखिए। अब फिलहाल ये जो मॉड है, ये जो Z2 Force हैंडसेट है, इसे चार्ज करना इसने शुरू कर दिया है, वो भी फास्ट चार्जिंग करना शुरू कर दिया है। मुझे एक अपडेट नोटिफिकेशन आया हुआ है जैसे ही मैंने मॉड को कनेक्ट किया है, ये देखिए यहाँ पर, और ये मोटो मॉड का अपडेट है। इस मॉड अपडेट को मैं अपडेट कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अभी जो मॉड है ये 30 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। अगर आपके पास 30 वॉट्स का फास्ट चार्जर है तो ये जो मॉड है बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। ये जो टर्बो मॉड है, सिर्फ मॉड की बात कर रहा हूँ, उसे चार्ज करने के लिए मुझे लगे तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट, और मैंने इस्तेमाल किया मोटोरोला के बॉक्स के अंदर जो चार्जर आया हुआ था फास्ट चार्जर, उसी का इस्तेमाल किया था। वैसे मॉड्स के पीछे LED लाइट है, लेकिन जब आप इस मॉड को फ़ोन के साथ में कनेक्ट करेंगे तो आपको मॉड की बैटरी एग्जैक्टली पता चल जाएगा। इंडिकेटर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। मॉड को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से खींचना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, ऑटोमेटिकली चिपक जाता है, और निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये जो टर्बो पावर मॉड है, इसे आप एक तरह से पावर बैंक कह सकते हैं, जो Z2 Force स्मार्टफोन के साथ में इस तरीके से चिपक जाता है। तो मतलब ये एक फ़ोन का ही भाग बन जाता है, जिससे फ़ोन का जो वज़न है और जो डायमेंशंस है वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मॉड जब आप निकालते हैं उसे स्लाइड नहीं करना है बल्कि खींच के निकालना है। अब फ़ोन में है 2730 mAh की बैटरी, मॉड में है 3490 mAh की बैटरी, दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो आपको मिलता है तकरीबन 6220 mAh की बैटरी। अगर सिर्फ हैंडसेट की बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो आपको मिलेगा तकरीबन 5 से 7 घंटे का नॉनस्टॉप यूसेज, मतलब कि 1 दिन से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ आपके यूसेज के हिसाब से। लेकिन अगर आपने मॉड कनेक्ट कर दिया तो आपको मिलेगा तकरीबन 2 से 2.5 दिन का बैटरी लाइफ बड़ी आसानी से। ये हैंडसेट को बहुत ही मजबूत बनाया गया है, शैटर शील्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके हाथ से ये हैंडसेट गिर भी जाएगा तो इसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इस हैंडसेट का प्राइसिंग देखें और साथ में जो मॉड मिल रहा है फ्री में उसे भी कंसिडर करें तो जो प्राइसिंग है 34,999 rupees काफ़ी अच्छा है। ये फ़ोन उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके हाथों से फ़ोन गिरते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।